जी हाँ दोस्तों, आज पंचकुला में सुबह सुबह बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है, जिस हादसे में लगभग 45 बच्चों की जान जाने की खबर सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि इस घटना में, बेहद ही दुखद घटना में, लगभग 6 छात्र घायल हो चुके हैं। तो आइए इस खबर के बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों बता दें कि पंचकुला में भीषण सड़क हादसा हो गया है। दोस्तों बता दें कि स्कूल से भरी बस पलट गई है और इस बस को पलटने से लगभग बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा गया है, जिसमें लगभग 45 बच्चों की जान जाने की खबर सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि 6 से 7 बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। तो आइए इस पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों बता दें कि सुबह सुबह जब स्कूली बस बच्चों को लेकर के स्कूल जा रही थी, तभी बीच रास्ते में यह हादसा देखने को मिला। दोस्तों बता दें कि एक ऑटो को बचाते बचाते अचानक 5 फीट गहरी खाई में पूरी की पूरी बस पलट गई और बस पलटने के कारण से यह दर्दनाक हादसा देखने को मिला। दोस्तों बता दें कि इस घटना में स्कूल बस के ड्राइवर की भी जान जाने की खबर सामने आई है और बाकी दोस्तों 6-7 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें उन्हीं के निजी अस्पताल में एडमिट किया गया है। दोस्तों बता दें कि मौके पर पुलिस पहुंची और सभी छात्रों को बरामद किया गया। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि जिस स्कूल के बच्चे इस घटना में शहीद हुए हैं, उस स्कूल के प्रधानाचार्य आकर के सभी को देखरेख किया और जो बच्चे गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया है। दोस्तों बता दें कि यह घटना पंचकुला आ रही है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर को सुनकर के बेहद ही ज्यादा दुख जताए हैं और यह दर्दनाक हादसा पंचकुला में देखने को मिला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों बता दें कि इस खबर को सुनकर के हर एक किसी की आंखें नम हो गई है और सभी ने इस बेहद ही दुखद घटना को देख करके संवेदना व्यक्त किए है। तो ऐसे में यह सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है, बेहद ही ज्यादा लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। पंचकुला में यह हादसा सुबह सुबह देखने को मिला है और इस खबर से हर एक किसी की आंखें नम हो गई है। तो ऐसे में आप इस खबर को सुनकर के क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।